उस्ताद अपने शागिर्द से, बताओ कि गाली किसे कहते हैं। शागिर्द बोला, इंतहाई गुस्सा की हालत में जब जिस्मानी तौर पर तशद्दुद ना करते हुए जुबानी तौर से की जाने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाई के लिए मुंतखिब अल्फाज का मजमूआ जिसकी अदायगी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयान कैफियत तारी हो जाए, इसे हम गाली कहते हैं। मेरे दिल में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है, नाम इस सीना का अल्लाह रखी है, मैं अल्लाह रखा हूँ, वो अल्लाह रखी है, शायद अल्लाह ने वो मेरे लिए बना रखी है। कहते हैं वो रखी हुई चीज ही काम आती है, इसलिए मैंने भी रखी से लगा रखी है। अब हकीकत तो ये बतलाने के लिए रखी है कि रखी ने रातों की नींद उड़ा रखी है। ये क्या तुमने रखी रखी लगा रखी है, कमबख्त रखी ने तो किसी और से लगा रखी है। उस्तानी, अगर अपना किरदार अच्छा करना है तो अपनी हर उस्तानी को माँ समझो। शागिर्द, लेकिन इससे तो हमारे अब्बू का किरदार खराब हो जाएगा। सरदार जी हस्पताल गए तो नर्स ने कहा, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार ने लंबी सांस लेते हुए कहा, शुक्र, 12 बजे नहीं आया मैं। सियाने कहते हैं कि औरत को सही उम्र का पता चलाना हो तो इसे बोलते हुए गौर से देखना चाहिए। जो औरत बात करते वक्त ज्यादा मुंह खोले, इसकी उम्र भी ज्यादा होती है, और जिसका मुंह कम खुले, इसकी उम्र भी कम होती है। मैंने तजर्बाती तौर पर अपनी हमसाई 80 साल अम्मा से पूछा कि अम्मा, क्या ये बात सच है कि जो औरत बात करते वक्त कम मुंह खोले, इसकी उम्र भी कम होती है। अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर जरा सा मुंह खोलकर बमुश्किल बोली, पुत्र, मैनू की पता।